तो इधर देखो रागिनी के पैर में रस्सी बांध दी है, बार बार पानी के टप में जाके। तो भाई अपना आ चुके हैं मस्त होटल में कुछ खाने पीने के लिए, तो अपना ऑर्डर दे दिया है, तो भूख लग रही थी काफी देर से, मैं चलो खा लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कैसे बढ़िया होंगे। हेलो कर दे मिस्टी। सो गाइस मिस्टी अपना मस्त उठ चुकी है, हेलो कर दी है, तो अभी जस्ट सो के उठी है ये, और हम भी अपना मस्त नहा के रेडी हो चुके हैं, चाय नाश्ता भी हो गया है। तो आज थर्सडे बृहस्पतिवार है आज, तो आज बनना खिड़की बाजार क्या है, चाय चल जा मुँह धो गया जा, चल मुँह धो गया, चाय पी लिए फिर तो चलते हैं, अभी नहा धो लिए हैं अपना आराम से, वही 10 बजे के बाद निकलेंगे अपना बन्ना खेड़े। तो बाकी में आज अपना कल वाला ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लो जाके, वैसे आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा वो देख लेना। तो इधर जो है सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, शगुन का है, शगुन भी है तो स्कूल जा रहे हैं। तो वो स्कूल जाने की वजह से वो कैसे रो रही है वो पीछे, फिर स्कूल ले जाऊंगी बताओ। मिस्टी ए कहाँ जा रही है, बाय। तो इधर देखो रागिनी के पैर में रस्सी बांध दी है, बार बार पानी के टब में जाके बैठ जाती है वो, सामने टब जो दिख रहा है पानी का, तो पानी का टब जो रहता है भरा हुआ रहता है, कि पता लगा गिर गई थोड़ा गलत तरीके से और डूब जाएगी, कभी बाहर भागती है, कभी घर में, कभी यहाँ पानी में। हाँ अब खोलने के चक्कर में रो रही है बार बार ये। चल खुल गई रस्सी, बस भाग जा पानी के अंदर जा, अब तो कहाँ भागी सीधे पानी के टप में। बस सीधे खुल जाए एक बार, सीधे पानी के टप में ही जाना है बाल्टी में, लो खाली होंगी बाल्टी, वो बाल्टी बाल्टी सब बोतलें पानी की इतनी सारी खाली पड़ी हैं। ये देखो किस तरीके से पानी के अंदर बैठ के जाके नहाती है, मतलब एक बार खुल जाए पानी के टप में जाके बैठना है इसने, तो पता नहीं कितनी गर्मी लगती है इसको, पूरा दिन पानी में खेलती रहती है पूरा दिन, उसी के वजह से खांसी जुकाम तबीयत खराब हो जाती है इसकी, मानते नहीं है बिल्कुल भी। भाई मस्त अपना आ चुके हैं बन्ना खेड़ी बाजार में, तो दुकान वकान अपना मस्त लगा लिए, तो टाइम हो चुका है इस समय काफ़ी, 4 बज गए हैं, देखते हैं वेट करते हैं। भाई अपना बन्ना खेड़ी बाजार अगर फाइनल घर पहुंच चुके हैं और अभी खा रहे हैं खाना, तो आज जो है भाई ब्लॉग तो ज़्यादा शुरू हो नहीं पाया है, तो कल ब्लॉग नहीं आया क्योंकि ब्लॉग अगर मैं घूमने फिरने भी जाता, ब्लॉग शूट होता तभी डाल पाता, 7 से 8 मिनट का होता तभी डालता हूँ ब्लॉग। और भाई 7 से 8 मिनट का ब्लॉग होता है तभी मैं डालता हूँ, नहीं तो उससे छोटा होता है तो ब्लॉग मैं अपलोड करता नहीं हूँ, तो हो सकता है ब्लॉग ना आ पाए, देखते हैं परसों ही आएगा ब्लॉग। तो चलते हैं फटाफट से खाना खा लेते हैं, खाने में अपना मस्त चावल है, चलते हैं फटाफट से खा लेते हैं। इस समय टाइम हो चुका है 11:36 हो चुके हैं, और मतलब जब मैं आया था 9:30 बजे के आसपास, उस समय से ही लाइट भागी हुई है, तो अभी फाइनली लाइट आ चुकी है, तो चलते हैं अभी सोते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। सो गाइस नानू का अपना रेडी हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं फिलहाल चाय नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जाएंगे शायद हम काशीपुर, तो देखते हैं फिलहाल अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, चलते हैं फटाफट से। और जो बिल्कुल नल सही करने के लिए आ चुके हैं दोबारा, पहले भी कई बार सही हो चुका है लेकिन ये फिर बार बार खराब हो जाता है, तो अभी जो फिर से ये सॉकेट वगैरह टूट गए थे इसके बाल, तो चेंज होगा। तो पहले बताया था ना वो कि नल जो है तुम्हारा ये चेंज होने वाला है, तो चेंज नया गड़वा लेते इसका। रागी पीछे हो जा, इसे पकड़ लिया अरुण, तो सॉकेट कौन सा आना है, आएगा इधर जो है फाइनली नल सही हो चुका है, नीचे जो है एक यहाँ पर एक सॉकेट लगा दिया है, तो अब आ ला के जो है थोड़ी देर बाद मोटर कस देनी है इसके अंदर, तो
तो सही हो जाएगा। अभी फिलहाल ये यहाँ से सांस ले रहा है, तो जब तक चलेगा नहीं, जब तक इसमें बाल नहीं लग जाएगा, मोटर फिट नहीं हो जाएगी, तो वैसे ठीक हो चुका है। तो भाई फाइनली अभी आ चुके हैं मार्केट में। थोड़ा सामान लेना था मोटर का, एक तो ये पैकिंग लेनी है, और 10 का जो स्प्रिंग वाला बाल आता वो लेना है, और इस मोटर के अंदर जो है साइडों में जो चूड़ी भर जाती है वो बनवानी है। तो देखते हैं, मार्केट लगभग खुली है, टाइम लगभग 9 बजने वाले हैं, लगभग मार्केट खुली गई है, उसका फटाफट जो सामान लेते हैं उसके बाद चलते हैं सीधा फटाफट घर, मुझे भी जाना है कहीं पे। तो गाइस अपना ये मोटर के दो नट ले लिए हैं, और एक पिने ले ली है जो मेरी वो गाड़ी जो दूसरी वाली बाइक वाली, तो उसके अंदर डाले में लगाने हैं दोनों पिने, क्योंकि वो थोड़ा सा डर रहता है, बच्चे उसके ऊपर खेलते कूदते रहते हैं तो गिरने का डर रहता है उसका। तो चलते हैं, फिलहाल अभी थोड़ा सा और सामान लेना है। स्प्रिंग वाला बाल आ गया है ये, तो ये नई पैकिंग होती है इसकी, लीक नहीं करेगा ज़्यादा। कितने का अंकल ये? तो गाइस अपना बाल और ये मोटर का अपना काम फिनिश हो गया है, सामान हमारा सामान सारा ले लिया है, तो सामान सारा ले लिया है, अब चलते सीधा घर पे। और अभी जो है बाजार में जो पन्नी का तो इतना तगड़ा सीन चल रहा है, पन्नी किसी के पास नहीं है, और जिसके पास पन्नी है उसका तुरंत चालान कट रहा है इस समय, तो बहुत ही तगड़ा सीन है इस समय पन्नी का, तो पन्नी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट भी सही बंद होंगी पन्नी की, तो बाकी पता नहीं है क्या होता, देखते हैं जैसा कि होगा वैसा तुरंत चालान कट रहा है, जिसके बाद पन्नी हमारे पास भी पन्नी थी बाजार के अंदर, कई बंदों का दुकानदारों का चालान कट गया था। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं घर पर, अब इधर जो फटाफट से मोटर को लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, फिर चला के चेक करेंगे। टाइम हो गया यार, ये जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है इसकी वजह से, मुंडल ख़राब हो गया और मोटर ख़राब हो गई थी, तो सामने सरकारी नल लगा हुआ है, इससे ही काम चला रहे थे अब तक, तो कसते हैं इसको। इधर अपना गाइस मोटर सही हो गया बिल्कुल, नल भी सही चल रहा है, बस पानी थोड़ा सा कम आ रहा, वाटर लेवल यहाँ पर कम है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ जल्दी फटाफट से काशीपुर, इसमें थोड़ा सा माल वापसी का है तो वो निकाल लेते हैं फटाफट से बैग में। तो गाइस अभी जो हमें जाने वाला था ट्रेन से काशीपुर, तो ट्रेन से तो खैर जाना कैंसिल हो गया, अभी नितिन का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहा था कि पट्टी बाजार में मतलब कहीं पर माल देख के आना, एक आंटी है, आंटी वहीं पर कह रही थी कि हमारे पास बहुत सारा माल है, तो देख लेना आके, अगर आपने लेना हो तो उनके पास देखने जाएंगे क्या क्या है वैरायटी उनके पास, अगर सही लगेगा तो ले लेंगे जाके। फिलहाल जो अभी मेरा वापसी वाला माल जो था वो निकाल लिया मैं, दो निकल के सैटी है, तो ये दोनों वापसी करके आने हैं, दूसरा लेकर आने हैं ये, तो अभी चलते हैं, नितिन आने वाला है, खा पी लेते हैं अपना खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर फटाफट काशीपुर। तो इधर बनाइए हरी मिर्च प्याज है, हरी मिर्च प्याज तो अपना इससे ही खाते हैं, मस्त लगते हैं ये भी, इसी में खा लूँ फिर, एक उस पर प्लेट पर रख लेते हैं ना, इसमें दे दो रोटी और इसमें रख लूँगा, खा लूँगा मैं, एक उस पर रख दो बस। हाँ नितिन अपना आ गया है, तो हम दोनों जाने वाले थे काशीपुर, तो काशीपुर तो इनने मतलब खुद तो गया नहीं, और मेरा ही प्लान जो है कैंसिल करा दिया, तो ये जा रहा है गदरपुर माल लेने के लिए, और मैं भी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, जाना था यार, और तो मुझे जो है थोड़ा सा काम था, मुझे टाइम कुछ अलग था ना इसलिए, तो इसने जो मतलब मैं ट्रेन से जा रहा था और ये कह रहा था कि बाइक से चलेंगे, तो माल भी देखेंगे जहाँ हमने देखने जाना था, अभी वहाँ भी नहीं, उसका फोन लग नहीं रहा जहाँ हमने जाना है आंटी के पास एक माल देखने के लिए कपड़े का, तो उनका फोन लग नहीं रहा, तो ये वहाँ ना जाके सीधे जा रहा गदरपुर, और हम अपना घर पे रहेंगे, तो देखेंगे फिर कभी टाइम निकाल के, तो चलते हैं गाइस। अरे वीडियो को लाइक कर दे ब्रो, भाई साहब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो पता लाइक कमेंट, तो इसका भी तो इसका भी जो है एक यूट्यूब पर चैनल है नितिन पंडित ब्लॉग्स, तो ये वीडियो बनाता नहीं है, मैंने इससे कहा चल वीडियो बना अपने कभी कभी कॉमेडी वीडियो, तो चलते हैं अभी यहाँ पर, जब थोड़ी देर अपना घूमने के लिए आए थे तो अपना चलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद सीधे घर। तो गाइस अभी गया था मैं महेशपुरा, थोड़ा सा काम था, काम को मैं अपना निपटा के आ चुका है, लेकिन फ़ोन में अपना घर भूल गया था, चार्जिंग पर लगा दिया था, चार्जिंग क्या वो थोड़ी देर चार्ज हुआ था, लाइट भागी थी उसके बाद, तो लाइट आ रही थी, अब देखा तो फुल चार्ज हो गया फ़ोन, तो अब चलते हैं, दिनेश फ़ोन कर रहा है, दिनेश के बाद जो मतलब थोड़ा सा काम है, चलते हैं अभी यार, थोड़ी बहुत बैठ के अपना थक चुके हैं, थोड़ा सा हवा खा लेना फोन, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा दिनेश के पास सीधा। तो गाइस फाइनली अपना चल चुके हैं, तो चल चुके हैं दिनेश के पास,
तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा काम है निपटा के अपना, क्योंकि वो जो है टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 5 से भी ज़्यादा ऊपर का टाइम हो चुका है इस समय, 5:17 हो चुके हैं। तो वो जो है कंपनी 6 बंद हो जाती है, टाटा मोटर्स कंपनी जहाँ वो जॉब करता है। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से। और आज जो हमें काशीपुर भी नहीं जा पाया, काशीपुर जाना था, थोड़ा सा काम था, पता कपड़े लेने जाना था, तो वहाँ भी नहीं जा पाया मैं इसी के काम की वजह से, जहाँ मैं अभी गया था महेशपुरा, तो उसकी वजह से नहीं जा पाया मैं। तो देखते हैं, अभी चलते हैं फिलहाल दिनेश के पास। तो अपना दिनेश के पास तो पहुँच चुके हैं गाइस, देख रहे हो हालत क्या हो गई है जगतपुर से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब बहुत दूर पड़ जाता है गाइस, यहाँ आते 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 पैदल ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और पसीना देख रहे हो, गर्मी इतना बुरा हाल हो गया गर्मी से। तो दिनेश तो अपना काम कर रहा थोड़ा सा, अपना बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं निपटा के भी चलेंगे घर फटाफट। भाई अभी जो है दिनेश के बाद से काम निपटा दिया, उसको पैसे देने थे, पैसे तो दे दिए हैं। तो वहाँ क्या अभी दिया तो है नितिन, और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो भाई अपना आ चुके हैं मस्त होटल में खाने पीने के लिए, तो अपना ऑर्डर दे दिया है। तो भूख लग रही थी काफ़ी देर, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। किसके अब वो नहीं अपना, इधर बिरयानी आ गई है तो उन्होंने तो खा के साफ भी कर दी, अपना फटाफट से खाते हैं गाइस, फिर चलते हैं। खाना पीना हो गया गाइस, वो इधर चल रही है चेकिंग, तो अपना चलते हैं फटाफट से गली में से पीछे से होके शॉर्टकट रास्ता, वह चौराहे पे तो चेकिंग चल रही है। तो गाइस अपना नितिन तो चले गए घर, तो हम भी चलते हैं फटाफट से घर, और वहाँ चौराहे पे वो चेकिंग चल रही थी, तो पीछे से अपना घो के आना पड़ा हमें। तो चलते हैं, अपना बिरयानी वगैरह तो खा ली थी, अपना मस्त गाइस खाना वाना खा लिया है। और ब्लॉग वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अपना थोड़ा सा एडिट भी कर लिया है, मतलब आधा ब्लॉग जो एडिट कर लिया है, तो आधा ब्लॉग और रह गया एडिट करने को। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।